दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनएस सिंधु ध्वज के बारे में, जिसे 16 जुलाई को, ठीक है, 16 जुलाई को 35 ईयर्स ऑफ सर्विस देने के बाद इसे रिटायरमेंट दे दी गई है। एंड इसी के साथ इंडियन नेवी के पास 15 कन्वेंशनल सबमरीन्स जो हैं वो रह गई हैं। एंड इस जो ये डिकमिशनिंग का जो प्रोसेस था, इसमें इन्वॉल्वमेंट की गई थी फॉर्मर 15 कमांडिंग ऑफिसर्स की, एंड 26 यहाँ पे इन्वॉल्व थे आपके कमिश्नरिंग वेटरन कमिश्नरिंग जो क्रू होता है, इनको यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया था। आइए चलिए जानते हैं सिंधु ध्वज के बारे में डिटेल में। सो आईएनएस सिंधु ध्वज बिलोंग करती है आपकी किलो क्लास से, जिसे आप सिंधु घोष क्लास भी बोल सकते हो, और ये इंडियन नेवी की पहली ऐसी क्लास सबमरीन क्लास थी जो बेसिकली फायर कर सकती थी, अंडर वाटर से फायर कर सकती थी एंटी शिप, या आप कह सकते हो एंटी शिप एंड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स ये भेज सकती थी। ठीक है, नाउ बात करते हैं किलो क्लास की। सो किलो क्लास का जो डेप्थ होता है, ये कितनी डेप्थ तक जा सकती है इसकी सबमरीन, 300 मीटर्स की डेप्थ तक, एंड ये रिप्लेस कर सकती है 3000 टन्स, राइट। और इसकी जो स्पीड होती है 18 नॉट्स की। अगर इसके सिंधु ध्वज के हम कलर की बात करें, तो इट्स क्रेस्ट डिपिक्ट्स अ कलर ग्रे कलर न शार्क एंड नेम मीन्स फ्लैग बैरियर एट अ सी। जैसे आप इसके नाम में देख सकते हो, इसका नाम क्या है, इसके नाम में आता है आपका ध्वज। ध्वज का मतलब होता है आपका फ्लैग, तो इसका नाम से ही पता चल रहा है इट इज अ फ्लैग बैरियर एट अ सी। नाउ इसे कमीशन कर दिया गया था इंडियन नेवी में 1987 में, एंड इसे इंडिया ने एक्वायर किया था रशिया से 1986 से 2000 के बीच में। एंड सिंधु ध्वज एक लौती ऐसी सबमरीन है जिसे चीफ ऑफ नेवल रोलिंग ट्रॉफी का अवार्ड दिया गया है फॉर द इनोवेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो गाइज, आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइज।